नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं जनता जानना चाहती है द सुनामी पर, और मेरे साथ आज खास मेहमान मौजूद हैं जगदीश यादव जी, ओबीसी कमीशन के चेयरमैन हैं। इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे, उनकी 9 तारीख को अहिर रेजिमेंट को लेकर भी एक कार्यक्रम है, उस पर भी बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। पहले तो अपने कार्यक्रम के बारे में आप बता दें कि 9 अक्टूबर को जो कार्यक्रम होने वाला है अहिर रेजिमेंट को लेकर। 9 अक्टूबर को हमारा कार्यक्रम है, अहिर रेजिमेंट का है, ओबीसी का है। हमारी मांग है कि भारतीय सेना में एक अहिर रेजिमेंट बननी चाहिए, जो आज से नहीं, ये हमारे पूर्व जो जब से देश आज़ाद हुआ है तब से हमारी मांग है, और इस मांग को हमारी को हमेशा अनदेखी होती रही है। लेकिन अब नौजवान जाग चुका है, अब इसकी अनदेखी नहीं होने देंगे हम लोग। और हमारा ये संकल्प है, इन सभी साथियों का, सभी दिल्ली के हमारे युवाओं का, पूरे देश के यादव वंशज लोगों का, कि अब जब तक हमारे नौजवान के कंधे पर अहिर रेजिमेंट का अगर बैज ना लग जाए, तब तक हम शांति से बैठने वाले नहीं हैं। इसको हम लेकर रहेंगे, और हमने ये कार्यक्रम 9 अक्टूबर को 11 बजे माननीय श्री अखिलेश यादव जी इसके हमारी मांग को उठाया है, उनको हम बुलाकर माननीय अखिलेश यादव जी के हाथ से सम्मानित कराएंगे। ये हमारा कार्यक्रम है। और दूसरी हमारी मांग जो है वो हमारी ओबीसी की है। कुछ मांगे हमारी ओबीसी में बड़ी अनदेखी हो रही है। हमारी पहली मांग ये है कि जिसकी जितनी तादाद भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी अच्छा मिलनी चाहिए। सवाल ये है, क्योंकि माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव जी को मुख्य अतिथि बुलाया है। नेताजी मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री रहे पूर्व में, तब भी अहिर रेजिमेंट की मांग होगी, उस समय भी उनकी आज़ादी के बाद से करें, तो उस समय भी लोग सवाल उठाते हैं नेताजी पर कि क्यों नहीं हो पाई, और तब नहीं हो पाई तो अब कैसे होगी। बहुत बड़े बड़े हमारे सीनियर नेता जिन्होंने बहुत प्रयास किया, माननीय मुलायम सिंह जी ने भी बहुत प्रयास किया इसमें, और एक बार तो ऐसी स्टेज आ गई थी बननी चाहिए और बनेगी भी। लेकिन फिर हमारा कुछ जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व उस समय थे, माननीय मुलायम सिंह जी की आवाज़ को दबाने की कोशिश की, और उस समय वो उसकी अनसुनी हुई। लेकिन आज हमारा नौजवान अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उन्होंने अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो में उसमें डाला है कि मैं अहिर रेजिमेंट के लिए चुनाव में पहली पार्टी है वो जिसने ये मैनिफेस्टो में दिया है कि अहिर रेजिमेंट बननी चाहिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम सब साथियों ने, मेरी पूरी टीम ने ये फैसला लिया कि वो हमारा नेतृत्व करें, और इस मांग को जो उनके दिल के अंदर एक जिज्ञासा है अहिर रेजिमेंट की पूरा कराने की, हम उनके साथ खड़े होकर ये दिल्ली में पहला कार्यक्रम करें। एक सवाल और, क्योंकि आखिरी सवाल, क्योंकि समय कम है, अहिर रेजिमेंट की मांग बहुत लंबे अरसे से की जा रही है, इसको अभी तक पूरा ना होना, इसकी क्या वजह, ओबीसी होना भी है यादव का? यादव की हर पार्टी ने अनदेखी करी है, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे आज की जो सत्ता की पार्टी है। हम पूरे देश में 22% लोग हैं, और 22% लोग उस ताकत में है कि जिसको चाहे हम ताज पहना दें, जिसका हम चाहे ताज उतार दें। लेकिन एक समय कांग्रेस के ऐसा आया था, मैं उस समय कांग्रेस में था, मैं दिल्ली का युवा कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, यूथ कांग्रेस का, ऐसा समय आया पार्टी में कि हमारा एक भी सेंटर में मंत्री नहीं था। इससे बड़ी अनदेखी हमारी जाति की और क्या होगी। राव वीरेंद्र जी के बाद जो माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्री काल में थे, सेंटर के पहले हमारे मिनिस्टर थे वो, जो फुल फ्लैश केंद्रीय मंत्री थे, उनके बाद अब जाके भूपेंद्र यादव जी को बनाया ना, तब तो पूरा कार्यकाल इंदिरा जी का जो 80 का कार्यकाल था उससे लेकर आज तक एक भी केंद्रीय मंत्री हमारे को ना दे, यादव समाज को, इससे बड़ी ये पार्टी हमारी अनदेखी क्या करेंगी। लेकिन आज नौजवान अपनी ताकत को पहचान चुका है कि ये लोग हमारी वोट की ताकत से सत्ता में बैठते हैं और हमारी अनदेखी करते हैं। अब जो हमारा साथ देगा, हम उसके साथ ये यादव समाज के लोग खड़े होंगे, और जो इस समाज की अनदेखी करेगा, इस समाज उसकी भी अनदेखी करेगा। बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जगदीश यादव जी, हमने पहले ही आपको बताया इनके बारे में। तो 9 अक्टूबर को अहिर रेजिमेंट के लिए, इससे पहले 23 सितंबर को भी जंतर मंतर पे एक प्रदर्शन किया गया अहिर रेजिमेंट की मांग के, लंबे अरसे से इसकी मांग की जा रही है। 9 अक्टूबर को एक कार्यक्रम और है,
जिसमें अली रेजमेंट की मांग के लिए ताल कटोरा स्टेडियम में वो कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर अखिलेश यादव को बुलाया जा रहा है। तो आप लोगों से इसी पे और चर्चाएं होती रहेंगी अगली वीडियो में, तो जुड़े रहे हमारे साथ, देखते सुनते, नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ।